हाँ हाँ अभी तो बैडमिंटन के स्टार्ट है ना यहाँ पे मैच। प्रैक्टिस चल रही है। पहुंचता हुआ टीम वन एंड टीम टू के सारे खिलाड़ी आ जाओ भाई। टीम टू के कप्तान साहब आ चुके हैं। टीम वन और टीम टू के सारे खिलाड़ी फटाफट आके मेरे पास रिपोर्ट करें। टीम वन टीम टू के खिलाड़ी क्रिकेट वाले फुटबॉल वाले नहीं। अगला मैच पाठक सर की टीम का और कटारिया सिंह सॉरी कटारिया सर की टीम का जो कि बहुत रोमांचक होने वाला है। जितना रोमांच इस मैच में मिल रहा है उतना ही मिलेगा। आप सब पाएंगे कि यहाँ चार दिन रोमांच के अलावा और कुछ नहीं होगा। रोमांच खुशी खुशी और सिर्फ खुशी। दर्शकों से भी अनुरोध किया जाता है कि वो और दर्शक आए ताकि यहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाए। मार दिया है फील्डर कप्तान साहब बहुत डीप से वाक्य आए हैं। बॉल को उठाया थ्रो को रोका ओवर थ्रो नहीं देना चाहते हैं। कप्तान साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस में एक हाथ से फील्डिंग कर रहे हैं और आगे बहुत सोच समझ के खेलना होगा। पाठक सर अगले मैच की रणनीति बनाना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने माइक दे दिया है और हमें गर्मी का भी एहसास हो रहा है। कमेंट्री तो मिस्टर विवेक जो कि वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। नॉट एंड बोल्ड एक्शन रिप्ले में देखिए आप इसको आए बॉल करने के लिए तैयार इसको उठा के मारा है और बॉल उसके नीचे है और ये कैच आउट। बहुत ही अच्छा कैच लिया है इस बार अंपायर इनके पास गया। कैप्टन वहां पर बहुत निराश उनकी टीम कम राहुल प्रशांत संबरकर टॉस के लिए पधारे। लोकेश जल्दी आओ भाई टीम वन के खिलाड़ी मेरे पास आ जाओ। देखना होगा कितना फायदा उठाएंगे। हमारी दरख्वास्त बल्लेबाजों से बहस ना करें अंपायर से। अंपायर का डिसीजन फाइनल होगा। 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी और साथ में अगले मैच से बाहर किया जाएगा। मार
इकोनॉमिक्स अगेंस्ट है। हाँ तो वो तुम्हारे में और क्या कम है, ऐसे दूसरे के लिए ज्यादा मत सोचो। प्राची भी उसी में है। अरे फिर क्या होगा, प्राची की तो भूमि दुखी हो रही हो तुम्हें। नहीं भाई हम सीट गड़े सारे। होल्ड करके कैसे चल रही है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लास्ट बहुत बढ़िया, ग्रीन टी शर्ट बहुत बढ़िया। हाइट की है या फिर पैर की नो बॉल है? भाई हम कहें हाइट की नहीं लग रही है और ये नो बॉल दी है। जैसा कि हमने बताया है आईसीसी पैनल के चुने हुए अंपायर हैं जसबीर सर, डिसीजन गलत नहीं हो सकता बिल्कुल भी। शानदार शॉट खेला, खुल गए हैं थोड़े से उमेश, देखना होगा फ्रीज पे क्या करेंगे। और फ्रीज पे चलाया है बल्ला, देखते हैं चार रन होगा या एक रन। जी नहीं, एक ही रन होगा। किशन स्ट्राइक चाहते हैं ज्यादा है ज्यादा। किशन के मन में लड्डू फूट रहे हैं, देखते हैं इस गेंद को कहां फेंकना चाहेंगे किशन। और ये शानदार गेंद सोनी का कमबैक, बहुत ही बढ़िया गेंद, बैक फुट पर चले गए थे, बॉल टप्पा पड़ के तेज आया और बीट हुए किशन। अगली गेंद और ये मार दिया है सामने की तरफ उठा के, चार रन। ऐसा लग रहा है गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये एक तरफा ही नहीं, पता नहीं कौन सी तरफा मारेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है। अंपायर को बताया जा रहा है कि दो गेंदें बची हैं। अंपायर भी इंसान है, गलती हो जाती है। सारे अच्छे शॉट्स, दो सामने दो ऑफसाइड। और ये अगली गेंद खेल दिया है किशन ने सामने की तरफ, ये भी नहीं रुकेगा। बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग डीटीयू। किशन के मन में इस टाइम इतने लड्डू फूट रहे हैं, 100 दिख रहा होगा उन्हें, 50 तो नहीं दिख रहा होगा, पूरी गारंटी है इस बात की कि 12 ओवर के मैच में भी 100 बनाए। उमेश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देनी होगी किशन को। रोको, रुक जाओ फील्डर को आ जाओ। सोनी आखिरी गेंद लेके चले और देखना होगा। ये देखिए किशन ने कितनी चालाकी से सिंगल ले लिया, जानते थे आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल पर सिंगल लेना कोई किशन से सीखे। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 for 9 wickets, 15 दिया 45। जी हाँ, बढ़ा लिए इन लोगों ने रन रेट। देखते हैं 200 का सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं। जिन्होंने पहला ओवर डाला था, बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन स्पिनर,
यहां से देख के लगता है कि बहुत अच्छा गेंद डालते हैं। देखना होगा कृष्ण किस तरीके टैकल करेंगे इन्हें। पहला गेंद, छोटा गेंद खेला एक रन के लिए। कप्तान की शानदार फील्डिंग, कप्तान राहुल कटारिया सर। माइकल बेवन का दर्जा दिया गया है इन्हें। लेफ्ट आर्म स्पिन और लेफ्ट आर्म बैटिंग करते हैं मिडल ऑर्डर में आके। बॉलिंग का एक्शन थोड़ा पॉल एडम्स जैसा है। किसके सामने? अगली गेंद देखना होगा उमेश। उमेश ने शानदार ड्राइव किया चार रन के लिए। BSNL चौका, कनेक्टिंग DTU। अभी चलूंगा तो चल रहा है क्या? शानदार गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, उससे भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं किशन और उमेश। बाकी लोगों ने दो गेंदों में पांच रन आते हुए। और ये शानदार शॉट स्वीप मार दिया है, गोडा टेक शॉट चार रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। देखना होगा किस तरीके से कमबैक करेंगे गेंदबाज। उमेश यादव मन बना चुके हैं, माफ कीजिएगा उमेश वर्मा, मन बना चुके हैं इस ओवर में रन बनाने के लिए। और ये एक और बढ़िया गेंद सीधा कप्तान के पास। कप्तान के पास से बॉल निकलना नामुमकिन के बराबर है, बहुत ही चुस्त फील्डर है। टीम के 50 रन पूरे और देख लेंगे आगे बढ़े हैं। नो बॉल दी गई है अंपायर द्वारा और ये 6 रन के लिए भेज दिए उमेश ने। बहुत ही शानदार शॉट, जैसा कि मैंने बताया है 200 की तरफ, 200 तो एक कमी बता के चले गए। यहाँ पे स्कोर 250 बनेगा शायद। और ये वाली गेंद भी फ्री हिट होगी उमेश वर्मा को।